बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहीम यार खां के बाद बढ़ते हैं अगले वॉइस मैसेज की जानिब। देखते हैं कि ये कौन साहब हैं और क्या पूछ रहे हैं। ये तो गुजरात से लग रहा है, रात को भी था इनका। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, कैसे तबीयत? बिल्कुल अल्लाह आपको ठीक हूँ। सेहत दे। डॉक्टर साहब, आज उसको जो आपने जैसा बताया, मिर्चें और घी भी दिया जी, और जो डोज उसके चल रहे थे मेटाबोलाइज की वो दी, वेरी गुड। और उसके साथ ट्रोडेक्स जो आपने इंजेक्शन कहा था हाँ 10 ml जी, बिल्कुल। वो दिया, और पेन उसको काफी ज्यादा थे, मुंह खोल कर रखे थे, उसके लिए एक पेन किलर उसको दिया। ठीक, तो अभी बस कंडीशन ये है कि खाना पीना इसका बिल्कुल जीरो है। और पेन किलर में मैं आपको बताता हूँ, पेन किलर में कौन सा दिया है, फ्लोमेग्लो, ये इसको दिया। अच्छा। और डॉक्टर साहब, तो मुंह पानी काफी है, नहीं निकल रहा है, नाला टपक गया है। जो रारें टपक रही हैं वो तो इसकी डीवर्मिंग करनी पड़ेगी थंडर के साथ। थंडर के साथ अब डीवर्मिंग अभी अगर कर सकते हैं, अगर है मिल जाए तो रात को भी बेशक जब बांधते हैं उस वक्त आप कर दें थंडर के साथ। 50 ml लेके उसमें थोड़ा दूध मिला दें, आधा लीटर दूध में मिक्स करके पहले थोड़ा सा गुड़ दे के और वो इसको पिला दें। ये एक तो डीवर्मिंग कर दें, दूसरा ये है कि इसको एट्रोपीन सल्फेट के टीके लगाएं। एट्रोपीन सल्फेट के कल शायद मैंने बताया या नहीं, तो ये मेटाबोलिज से काम नहीं चला तो हेपागन के ही लगाएं। हेपागन या हेपागार्ड के 4 दिन लगाने पड़ेंगे, इंशाल्लाह ताला ये खाना पीना ठीक कर देगी। और दर्द का जो वो जो जो है ये आपके उधर लोकल कई मेडिसन्स हैं। अब बहरहाल ये है कि ये मुझे ज़रूर बताएं ये करके। ठीक है, अल्लाह फजल करेगा हेपागन के टीके लगा दें और इसकी डीवर्मिंग एक दफ़ा कर दें। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह सल्ला सैयदना।